हेलो गाइस, वंस अगेन बिग आप सबका फिर से स्वागत है एक और नए एपिसोड में, एक और नए अपडेट में। तो बी अवेयर एप्लीकेशन मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा नहीं था। यस, सही सुनो, मतलब बी अवेयर एप्लीकेशन किस लिए होता है? मोस्टली जो कोविड के रिलेटेड जो है, ग्रीन जोन, लेवल जोन्स, वैक्सीन रिलेटेड क्या है, जो भी सिचुएशन है हेल्थ का, वो सारा का सारा जो भी हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो इसके अंदर आता है। तो वैक्सीनेशन लगा लिया, इसके बाद मैंने काफ़ी टाइम से इसे अपडेट नहीं किया। बहुत लोगों ने मुझे लास्ट टाइम में भी कमेंट मारा था कि इसके बारे में बताओ क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा। तो अगेन मैं इसे सीधा फिर से स्क्रीनशॉट कर लेता हूँ, जो मेरा वीडियो मोबाइल में रिकॉर्डिंग है, तो सीधा यहाँ पर टॉप पे आ जाएगा, तो बहुत यूज़फुल रहेगा। ओके, सीधा अगेन मैं बी आवर एप्लीकेशन, ओके, इट्स अ होम। ओके, होम में जैसा था वैसा का वैसा ही है, बस अगर आपने वैक्सीनेशन लिया तो शील्ड जो है वो अलग रहेगा। मैंने फुली वैक्सीनेटेड है तो मेरा ग्रीन में है। ओके, आपका आपको डिटेल चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। तो ई सर्विस में बहुत कुछ चेंज हो चुका है, काफ़ी अपडेट आ चुका है, काफ़ी। फर्स्ट जो है वो वैक्सीनेशन के बारे में, योर रजिस्ट्रेशन वैक्सीनेशन स्टेटस, चेक योर अपडेट योर स्टेटस, चेंज योर सिलेक्टेड वैक्सीन बॉक्स, वैक्सीन के बारे में वो तो ऑलरेडी मैंने उसके कई वीडियोस बनाए, आप चाहे तो विजिट कर सकते हो। ओके, कोरोना वायरस वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, ओके ये भी ओके, रिपोर्टिंग इशू अबाउट योर हेल्थ रिकॉर्ड्स, चेक योर रिपोर्टेड इशू स्टेटस, यूट्यूब वैक्सीन बट योर डिटेल्स आर नॉट अपडेट। ये उनके लिए है जो डिटेल्स में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आपने वैक्सीनेशन कंप्लीट लिया है लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पर जाके चेक कर सकते हो। आइसोलेशन सर्टिफिकेट मतलब अगर आपने 10 डेज का क्वारंटाइन लिया है तो आपको आइसोलेशन सर्टिफिकेट आपको निकालना ही पड़ेगा। इट्स हेल्पफुल फॉर योर जॉब, फॉर योर करियर। आपने अगर 10 डेज का क्वारंटाइन लिया तो आपको ये सबमिट करना ही पड़ेगा, क्योंकि इट्स एन ऑफिशियल गवर्नमेंट रिकवरी सर्टिफिकेट। अगर आपको वैक्सीन कोविड हुआ है तो वहाँ से अगर आपने रिकवर किया तो वहीं से आपको मिल जाएगा सर्टिफिकेट। उसके बाद क्या है, कोरोना वायरस टेस्ट एंड रिजल्ट, कोरोना वायरस RT-PCR सर्टिफिकेट। ये नॉर्मली आपको अगर ट्रैवल करना है, अगर आप बहरीन के लिए आ रहे हो, मोस्टली बहरीन छोड़ के जाने के लिए PCR टेस्ट होता है, मोस्टली बाहर आउटसाइड में ट्रैवल करने के लिए। अगर आप इंडिया में जा रहे हो तो आपको ये PCR टेस्ट करने ही जाना पड़ेगा, जो 72 आवर्स का वैलिडिटी हो, कि अभी रिक्वायरमेंट है। फिर आपको चाहे तो कोरोना वायरस टेस्ट अपॉइंटमेंट भी यहाँ से कर सकते हो, मल्टीपल जो एयरपोर्ट से करा के आओगे तो उसका पूरा का पूरा आपको BR एप्लीकेशन में ही फॉलो करना है। ओके, रिपोर्ट रैपिड टेस्ट, आपका रिपोर्ट आ जाएगा, 3 आपका टेस्ट है, ओके, जो आपने एयरपोर्ट में पे किया है 36 BD वो है, तो आपको यहाँ पर जाके रैपिड टेस्ट रिजल्ट आपको मिल जाएगा, 24 आवर में एक रिजल्ट आ ही जाता है। फॉर ट्रैवलर, देखा ये ट्रैवलर अराइविंग टू बहरीन, उनके बारे में फिल न्यू डिक्लेरेशन फॉर्म, आपको पूरा फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो जो लोग एशियन कंट्रीज से, अगर अदर कंट्रीज से आप बहरीन में आना चाहते हो तो बी अवेयर एप्लीकेशन मस्ट कंपल्सरी है। ओके, पेइंग फॉर अराइवल टेस्ट, पेइंग हिस्ट्री। अब इसमें एक इन्फॉर्मेशन है, अपडेट करना है एक बड़ा, अगर आपने अदर कंट्रीज में वैक्सीनेशन लिया है जो WHO जो बहरीन अप्रूव्ड है वैक्सीनेशन, तो उसे आपको लिंक कैसे करना है, तो ये मैं काफ़ी टाइम से देख रहा लेकिन इसमें मुझे कोई ऑप्शन नहीं मिला। कोरोना वायरस PCR टेस्ट अपॉइंटमेंट है, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है, रजिस्ट्रेशन है, बस और कोई इसमें नहीं है। अपडेट मोबाइल नंबर है, आप चाहे तो मोबाइल नंबर, यू हैव एक्सेस टू योर मोबाइल नंबर, चाहे तो मोबाइल नंबर, ये मोबाइल नंबर भी आप चाहे तो चेंज कर सकते हो, ऑप्शन आ चुका है इसका। तो बस गाइस, यही कुछ अपडेट्स आया है करंटली, अभी कुछ तो चेंज नहीं हुआ है। मुझे लगा कि शायद मैं लिंक कर सकता हूँ लेकिन लिंक का तो नहीं है, लिंक का अभी तक मेरे हिसाब से कोई ऑप्शंस नहीं आ रहा है। ग्लोबल स्टेटस भी रिकवरी काफ़ी हो चुका है वर्ल्ड वाइड का, बहरीन का 2,73,454 केसेस है, बहरीन में 1,388 रिकवरीज भी बहरीन में काफ़ी है। ओके, तो बस गाइस यही था छोटा इन्फॉर्मेशन अबाउट बी आवर एप्लीकेशन के जो अपडेट है उसके बारे में, होपफुली आपको एंजॉयबल रहा होगा। तो बाय, टेक केयर अगेन विद कुछ नए लेटेस्ट वीडियोज़ के साथ आऊँगा। बाय, टेक केयर।